एम्फेसिस, एक ऐसा स्टॉक दोस्तों जो रिजल्ट के बाद, अभी जब मैं आपके सामने वीडियो एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। इस स्टॉक के ऊपर मैंने लगभग आप कह सकते हैं 20-25 दिन पहले वीडियो बनाई थी, तब भी ये स्टॉक इन्हीं 2000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। और उस समय निवेशक बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान थे कि स्टॉक की जो गिरावट है, क्योंकि ऊपरी स्तरों से ये बहुत बहुत ज़्यादा गिर चुका था दोस्तों, और निवेशकों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये गिरावट थमेगी कहाँ। और उस समय भी आप बता दिए, पूरे के पूरे US, यूरोप और हर जगह ये बात चली थी कि IT कंपनीज में बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। तो इसके कारण आपको पता होगा, मिड कैप IT कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चली थी, उनमें पिटाई लगातार हो रही थी, और एम्फेसिस उनमें से एक था। मैंने तो वीडियो बना के कहा था 2000 के लेवल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और वहाँ से स्टॉक एक तेज़ी अच्छी खासी दिखाया था। लेकिन जैसे ही कल इन्होंने Q2 के नंबर पेश किए दोस्तों, आज वो तमाम तेज़ी धरी की धरी रह गई। स्टॉक वापस से 2000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इनका रिज़ल्ट देखेंगे ना Q2, मज़े की बात यह है कि कोई उतने ज़्यादा ख़राब नहीं आया दोस्तों, और कंपनी की जो कमेंट्री है उसमें भी कहीं आपको, आप कह सकते हैं, थोड़ी भी अंडर कॉन्फिडेंस की भाषा नहीं सुनाई देगी, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट कमेंट्री रही है कंपनी की। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ रह गई है कि जो बाज़ार को पसंद नहीं आई इस कंपनी की, या रिजल्ट में ऐसी क्या चीज़ है जो एज अ इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमसे छूट रही है, जो बाज़ार पकड़ के बैठा है दोस्तों। इन तमाम चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ और डिस्क्लोजर दे दूँ कि करेंटली मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ दोस्तों, तो कोई भी पोजीशन बनाए, ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जो मुझे लगता है वो अपनी पर्सनल राय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंपनी अभी जो ये एम्फेसिस दोस्तों, वो इन्वेस्टर जो रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं या एटलीस्ट मीडियम रिस्क में बिलीव रखते हैं, वही अभी स्टॉक में निवेश करें या निवेश करने की सोचें, क्योंकि अभी चीज़ें सही नहीं हैं, थोड़ी सी रिस्की हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है दोस्तों इस गिरावट में, क्या? और जिस कारण स्टॉक ये गिरावट आपको दिखा रहा है ना, शायद आने वाले समय में वही चीज़ स्टॉक की मजबूती का कारण हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, Q2 में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत पॉजिटिव है और बाज़ार को क्या समझ में नहीं आ रही है, ये तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल में दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक आपके साथ मैं चर्चा कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ये औरों को भी रिकमेंड हो दोस्तों, और जितना चाहे हो सके उनके साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा, और आज बात करने वाला हूँ मैं एम्फेसिस की। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, रिज़ल्ट कोई उतने ज़्यादा ख़राब नहीं आए दोस्तों, और ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, ये बात तो पता थी हमको कि कोई बहुत ही एकदम अल्ट्रा ग्रेट रिज़ल्ट तो नहीं आने वाले हैं, बल्कि हम तो ये सोचे थे कि काफ़ी हद तक रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन जब मैं आपको थोड़ा हाईलाइट बताऊँ ना इस स्टॉक की, तो ज़रा मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ कि इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें रही। देखिए, कंपनी ने जो ग्रॉस रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है दोस्तों, वो 4% की दर पे Q1 बढ़ी है, और 23.9% की दर पे ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। कॉन्स्टेंट करेंसी में अगर बात करें, 16.8% की बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर दोस्तों, ठीक है। कंपनी की जो टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू TCV रही है दोस्तों, वो $302 मिलियन रही है दोस्तों, ठीक है, Q2 में फाइनेंशियल 23 की। और ये जो आप देख रहे हैं ना $302 मिलियन, उसमें 81% की जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिली है वो न्यू जेन टेक्नोलॉजी से मिली है दोस्तों। तो ये तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। अगर कईयों को ये भी लगता हो कि ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया था कि भाई पूरा मंदी आ चुकी है, रिसेशन है, दिस एंड दैट, उसके हिसाब तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आखिर गड़बड़ कहाँ हुई है, कहाँ वो चीज़ है? क्योंकि कंपनी की, अगर मैं आपको
थोड़ी सी अगर आप साथ चर्चा करूं कि कंपनी ने हाईलाइट किया गया है अपने इन्वेस्टर समिट में, तो मैं ज़रा आपको एक बार ये दिखाता हूँ, एक्चुअली उनके जो वैल्यू है उनको पढ़ के दिखाता हूँ, कंपनी ने जो हाईलाइट किए हैं, मैं ज़रा स्क्रॉल कर रहा हूँ। देखिए, उन्होंने एक बहुत ही शानदार चीज़ कही है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं, कि इन स्पाइट ऑफ मैक्रो हेडविंड्स 2/3 सेज आईटी सर्विसेज स्पेंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन 2023। देखिए, जो तमाम निगेटिविटी है, चाहे रिसेशन फियर हो, यूरोप में प्रॉब्लम हो, इसके बावजूद 2/3 ऑफ आईटी कंपनीज का कहना है कि जो खर्चे हैं आईटी सर्विसेज में वो बढ़ने ही वाले हैं 2023 में। तो जब कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट है, कंपनी की कमेंट्री इतनी अच्छी हो, तो कह रही है कि हम चारों ही तरफ पे हर एक प्लेयर में काफ़ी शानदार रहे हैं, तो बाजार क्यों उतना इनको पनिश कर रहा है? तो अब चर्चा करते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ समाई हुई है। सबसे पहले, अभी भी एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस यानी एम्प्लॉई को जो पेमेंट करनी है वो अभी भी परेशान कर रहा है कंपनियों को, और एम्फेसिस भी इससे अछूता नहीं रह गया है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? पिछले क्वार्टर में जहाँ 702.3 करोड़ रुपए एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में खर्चे हुए हैं, वो इस बार बढ़ करके 740 करोड़ रुपए के आसपास आए। प्लस अब इकोनॉमी खुल गई है, अब जूम मीटिंग के थ्रू या आप कह सकते हैं ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू आप अपने क्लाइंट के साथ बात तो नहीं कर सकते, अब आपको डायरेक्ट क्लाइंट के पास शायद जाना पड़े ऑन लोकेशन, और अब एम्प्लॉई वापस कंपनी की ऑफिसेज में आ रहे हैं, भले ही पार्शियली आ रहे हैं बट अब वापस तो आ रहे हैं। इसका भी खर्चा अब आपको बैलेंस शीट में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि जहाँ पे पिछले क्वार्टर वन में दोस्तों 1039.1 करोड़ का खर्चा था, वह बढ़ करके 1152.9 करोड़ हो गया है। तो ये तो दो एक छोटी चीज़ें रही दोस्तों। अब बात करते हैं जो मुझे लगता है, और मैं एक एनालिस्ट रिपोर्ट में ही पढ़ रहा था। देखिए, एम्फेसिस का जो DCX का जो बिज़नेस है, यहाँ से वहाँ से जो बिज़नेस आता है वो लगातार स्लम कर रहा है, लगातार उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, और यही चीज़ बाज़ार को शायद पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, पहला चीज़। और मैं आपको बता दूँ, एनालिस्ट के अनुसार मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था वहाँ पे, कि जो DCX की जो बिज़नेस दोस्तों, ये बहुत वॉलेटाइल रहता है, सिर्फ उसके भरोसे आप कंपनी को एकदम आप कह सकते हैं सुनिश्चित नहीं कर सकते उसकी एक लगातार एक कंसिस्टेंट ग्रोथ को। तो उस पोर्शन से बिज़नेस का माना आने वाले समय में कि जो बिज़नेस की ग्रोथ है जो स्टडी होगी, इसका परिचायक हो सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि बात हो रही है। कंपनी ने एक पॉजिटिव ये रही कि दो बड़ी डील्स की हैं दोस्तों, ठीक है, दो बड़ी डील्स की हैं, जिसमें से कंपनी ने रिपोर्ट में कहा है कि इन्होंने दो डील की है। पहली, एक US का एक बैंक है दोस्तों, ठीक है, एक US का बड़ा बैंक है जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है। दूसरी एक बहुत अच्छी लॉजिस्टिक कंपनी है, ठीक है, जहाँ से दो बड़े इनको डील आई है। और एग्जैक्ट वर्ड मैं आपके साथ शेयर करूँ तो, 2 large deal wins in Q2 FY23 totaling to $110 million, ठीक है। तो अब आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, $110 million का, तो कॉन्फिडेंशियलिटी कहीं नहीं है। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर रिजल्ट से पहले कोई शेयर भाग जाता है, जिसमें से एम्फेसिस भागा था, कि जब मैं इसे आज से लगभग 20-25 दिन के पहले इसके पर वीडियो बनाया था, स्टॉक एग्जैक्टली इन्हीं 2000 के लेवल के आसपास था, और वहाँ से तेज़ी दिखा दिया, बट वो तमाम तेज़ी आज ख़त्म हो गई, लगभग स्टॉक वापस से 2000 के आसपास आ गया। और मैं आपको बता दूँ, 2000 लेवल इस कंपनी के लिए इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ऑन क्लोजिंग बेसिस, ये शायद मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये वापस अगर टूटते ऑन द क्लोजिंग बेसिस, 1750 से लेकर के 1800 के दरवाजे आराम से खुल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता लगातार गिरावट होगी, बट जी हाँ, गिरावट हो सकती है दोस्तों, 1750 से 1800 के दरवाजे शायद स्टॉक छू करके आ जाए दोस्तों। तो कंपनी में कहीं कोई डाउट नहीं है दोस्तों, कंपनी अच्छी है। इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि कंपनी की कमेंट्री बड़ी कॉन्फिडेंट थी दोस्तों। कंपनी इस बात को लेकर सुनिश्चित रही है कि जो डील की पाइपलाइन है वो कहीं भी कमज़ोर नहीं है, लगातार ये नई डील आ रही है और आने वाले समय में भी आती रहेगी, ठीक है। तो कंपनी की जो कमेंट्री है वो अच्छी, पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव वाइब दे रही है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में ये लगातार ऑन पेपर्स होता है या सिर्फ बातें ही चलती हैं, लेकिन ये आने वाले समय में पता चलेगा। और ये जो DCX के इनका जो मेन इनका पिलर है, उसमें गिरावट शायद बाज़ार को पसंद नहीं आया दोस्तों, और 2000 का लेवल आज ही अगर बचाने में कामयाब रहते हैं, तो मुझे लगता है कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है दोस्तों, ठीक है।
और अगर ये टूटता है तो मैं फिर रिपीट करूँगा, 1750 से 1800 के लेवल खुल जाएंगे। कंपनी अच्छी है दोस्तों, लेकिन मिड कैप में अभी प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो ये चीज़ आप निवेश से पहले सोच के रखें। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।